नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों यहाँ पर फोन पे में एक ऑफर चल रहा है, गेट फ्लैट 25 रुपये का कैश पे। ये किस प्रकार से आपको प्राप्त करना है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने रिडीम किया हुआ 9 अगस्त 2021 को, तो मैं आपको बता देता हूँ ये किस प्रकार से आपको प्राप्त होगा। तो इसके लिए आपको दोस्तों कुछ भी नहीं करना ज़्यादा, मैं बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना ये वॉलेट है, देखिए माई अकाउंट माई मनी ये लिखा हुआ है, यहाँ पर जाइए और यहाँ पर लिखा हुआ फ़ोन पे वॉलेट, इस पर क्लिक किए। यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको ज़्यादा कुछ नहीं, यहाँ पर 100 रुपये ऐड कर लेना है। 100 रुपये ऐड करने के बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर आपके वॉलेट में 100 रुपये आ जाएंगे। 100 रुपये आने के बाद देखिए दोस्तों आपने अभी ये फ़ोन पे बिजनेस अकाउंट बनाया होगा, अगर आपने नहीं बनाया तो इसे आप बना सकते हो। इसे बनाने के बाद देखिए क्या करना है मैं बता देता हूँ। पहले मैं इसे चालू कर लेता हूँ। इसी प्रकार से आपको इसमें लॉगिन करना है और आपको अकाउंट बना लेना है। इसमें अपना पेटीएम पेमेंट बैंक भी आप इसमें जोड़ सकते हैं, तो आप उसे अपने जोड़ लेना। इसके बाद दोस्तों ये आपको किस प्रकार से चालू करना है, जैसे दोस्तों इसमें मैं बता देता हूँ, बहुत से लोगों का पहले से ही मर्चेंट बना हुआ है लेकिन फ़ोनपे वॉलेट के पैसे मर्चेंट में नहीं जा पा रहे। हम QR कोड को स्कैन करते हैं तो वॉलेट से पैसे नहीं करते, UPI से करते हैं। उसका सॉल्यूशन भी आज मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए वीडियो को लगातार देखते रहिए। तो ये OTP कभी कभी हमारा नहीं आता है, अगर हम फिर से OTP रीसेंड करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, आपके सामने लाइव प्रूफ दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने रीसेंड किया और अब हमारे सामने OTP आ जाएगा। तो अभी वीडियो के साथ बने रहिए। और दोस्तों देखिए यहाँ पर OTP आ चुका है रीसेंड करने के बाद, तो आप घबराइएगा मत, रीसेंड करने के बाद आ जाता है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आपको देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है अयूब किराना स्टोर, ऊपर आपको यहाँ पर देखिए यहाँ पर अपनी पहले तो KYC देख लेनी है दोस्तों। ये KYC वेरीफिकेशन मेरी कम्प्लीट हो चुकी है, तो यहाँ पर आपकी अगर पेंडिंग वगैरह हो तो इसे KYC कम्प्लीट कर लेना है। इसमें क्या करना है, आपको पैन कार्ड लगाना है, तो आप अपने घर में से किसी का पैन कार्ड लगा के इसको कम्प्लीट कर लेना। कंप्लीट करने के बाद देखिए यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ बिजनेस डिटेल, इसको ओपन करना है। देखिए यहाँ पर अपना नाम लिखना है बिजनेस का, उसके बाद मोबाइल नंबर, अपना एड्रेस लिख देना है और यहाँ पर जो है अपना अकाउंट नंबर, ठीक है अकाउंट नंबर भी लिख देना है। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर ग्रोकरी एंड डेली नीड्स लिखा हुआ है, ये मैंने किया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर ऑल भीम UPI ऐप ये लिखा हुआ है ना, तो ये इसका मतलब होता है कि आप अगर किसी से QR कोड को स्कैन करके पैसे लोगे तो वॉलेट से नहीं आएंगे, सिर्फ भीम UPI भीम से आएंगे। इसमें लिखा हुआ है दोस्तों ऑल भीम UPI ऐप, तो आपको इसे वॉलेट कैसे करना है, देखिए यहाँ पर लर्न मोर लिखा हुआ है, गेट डेली सेटलमेंट, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ज़्यादा कुछ नहीं करना है, एक्सेप्ट करना है और यहाँ पर गेट स्टार्ट कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर देखिए मैंने वेरीफाई किया हुआ नंबर को, यहाँ पर आपको भी वेरीफाई कर देना है और यहाँ पर आपको जिस मोबाइल में वो पैसे लेने हैं वो अकाउंट नंबर में उसको आपको लिख देना है इसमें। तो मैं आपके सामने टाइप कर देता हूँ, देखिए मैंने यहाँ पर अकाउंट नंबर लिख दिया है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद मैं इसमें लिख देता हूँ IFSC कोड, इसको आप चालू कर लेना दोस्तों, क्योंकि इसमें ऑफ़र आते रहते हैं कभी 50 रुपये के कभी 25 रुपये के, तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसे चालू कर लेना। ठीक है, यहाँ पर वेरीफाई अकाउंट डिटेल, ये वेरीफाई हो जाएगा, देखिए वेरीफाई हो चुका है और मैंने इसे कंप्लीट कर दिया है। उसके बाद बिजनेस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर देखिए दोस्तों ये इसमें लिखा हुआ है योर रिक्वेस्ट इन इज इन प्रोसेस, इट विल टेक 48 आवर। ठीक है, इसमें 48 घंटे के अंदर ये हमारी अपडेट हो जाएगी। और यहाँ पर ऑल भीम UPI ऐप लिखा हुआ है, इसके साइड में पेमेंट वॉलेट का भी ऑप्शन आ जाएगा, जिससे समझ जाना कि आप अब अगर अपना QR कोड स्कैन करोगे तो वॉलेट से पेमेंट कटने स्टार्ट हो जाएंगे। और जब वॉलेट से पेमेंट कटना स्टार्ट हो जाए उसके बाद ही आपको अपने फ़ोनपे में पेमेंट ऐड करना है। ठीक है दोस्तों, समझ लीजिए, एक बार और बता देता हूँ मैं। देखिए अपना फ़ोनपे है, इसमें आपको तभी वॉलेट में पैसे ऐड करने हैं जब आपको भीम UPI वॉलेट चालू हो जाए। ठीक है, ऐड करने के बाद ज़्यादा कुछ नहीं करना है, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा जैसे ही मेरा वो वॉलेट स्टार्ट हो जाता है। तो हम थोड़ी देर के लिए वीडियो को रोकते हैं। देखिए दोस्तों, एक बार पहले मैं आपको बता देता हूँ कि वो QR कोड अभी हम स्कैन करेंगे तो उसमें क्या आएगा लिखा, देखिए आपको लाइव प्रूफ दिखा दूंगा। यहाँ पर मैं इस QR कोड को स्कैन करके दिखाता हूँ, तो चलिए हमारा QR कोड हम देख लेते हैं, ये रहा।
अब देखिए क्यूआर कोड को मैंने स्कैन किया, लेकिन इसमें कोई भी वॉलेट का ऑप्शन नहीं आया, इसमें डायरेक्ट यूपीआई आ रहा है, क्योंकि हमारा यूपीआई ही उसमें लगा हुआ है, अभी वॉलेट स्टार्ट नहीं हुआ। जैसे ही वॉलेट होता है तो मैं उसकी आपको बताऊँगा कि आगे क्या करना है, ठीक है? तो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो दोस्तों हमारा फाइनली ये फ़ोनपे बिजनेस का अकाउंट वेरीफाई हो गया। देखिए आपको मैसेज में बता देता हूँ, देखिए यहाँ पर आ गया, कॉन्ग्रेचुलेशन योर फ़ोनपे मर्चेंट अकाउंट इज़ एक्टिवेट, योर सेटलमेंट विल बी डन नेक्स्ट डे। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा हो चुका है। तो अब मैं बता देता हूँ, देखिए चलिए फ़ोनपे बिजनेस पे चलते हैं, सबसे पहले तो यहीं से स्टार्ट करते हैं, इसके बाद मैं फ़ोनपे पर लेकर चलूँगा। देखिए हम यहाँ पर ऊपर इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ बिजनेस डिटेल है, इस पर क्लिक करके देखिए नीचे आ गया है फ़ोनपे वॉलेट, आपको साफ दिख रहा होगा दोस्तों। तो मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया, सिर्फ उसका इंतजार किया था, ठीक है? ये हो गया। अब इसके बाद हम इसका क्यूआर कोड भी एक बार स्कैन करके दिखा देते हैं आप लोगों को। देखिए देखिए दोस्तों यहाँ पर नॉइस की प्रॉब्लम हो रही है, तो इसको थोड़ा सा झेल लेना यार, यहाँ पर कुछ सड़क की खुदाई वगैरह चल रही थी उसकी वजह से। देखिए यहाँ पर हम कर लेते हैं स्कैन को, और स्कैन करने के बाद मैंने पहले आपको बताया था तो उसमें यूपीआई से पेमेंट कट रहा था, लेकिन अब जो बताऊंगा उसमें वॉलेट से पेमेंट कटेगा। तो देखिए यहाँ पर क्यूआर कोड है हमारा ये, और यहाँ पर नाम भी देख लीजिएगा, देखिए अयूब किराना स्टोर लिखा हुआ ऊपर, और यहाँ पर देखिए वॉलेट का ऑप्शन आ चुका है, आपको साफ साफ दिख रहा होगा दोस्तों ये यूपीआई है, ऊपर वॉलेट का है। वॉलेट का होने के बाद देखिए यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ किस प्रकार से आपको 25 रुपये मिलेंगे, ठीक है दोस्तों? तो सबसे पहले कहाँ गया वो, ये माई मनी, इसके बाद वॉलेट, वॉलेट के बाद यहाँ पर आपको 100 रुपये ऐड कर लेने हैं। यहाँ पर 100 रुपये मैं ऐड कर लेता हूँ। 100 रुपये ऐड करने के बाद देखिए यहाँ पर ऐसा आएगा, लेकिन आपको नीचे वाला कंटिन्यू भी 100 रुपये भी करना है, क्योंकि 1000 रुपये का हो जाएगा नहीं तो, ठीक है दोस्तों? इसको ज़रूर ध्यान में दे लेना है। और यहाँ पर मैं कोड लगा के नहीं, ये देखिए हमारा कन्फर्म हो जाएगा, देखिए हमारा कन्फर्म हो चुका है। उसके बाद देखिए मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर अब आपको क्या करना है दोस्तों। देखिए 100 रुपये आ चुके हैं, 100 रुपये आने के बाद आपको फिर से क्यूआर कोड को स्कैन करना है। देखिए इस प्रकार से आपको करना है, आपके पैसे आपके खाते में आ जाएंगे। देखिए यहाँ पर क्यूआर कोड को मैंने स्कैन किया, स्कैन करने के बाद यहाँ पर मैं 100 रुपये लिखूँगा। देखिए यहाँ पर कोई भी वो नहीं आ रहा है स्क्रैच वो कैशबैक, क्योंकि मैंने पहले से रिडीम किया हुआ है, लेकिन देखिए यहाँ पर वॉलेट ज़रूर आ गया है, ठीक है? मैं आपको वॉलेट के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि रिडीम तो मैंने पहले से ही कर लिया है, तो वॉलेट में मैं इसको पेमेंट को कर देता हूँ। इसमें क्या लिखा आ रहा है, यू कैन नॉट मेक दिस पेमेंट योर फोन अकाउंट मर्चेंट फोन पे लिंक सेम मोबाइल नंबर, ठीक है दोस्तों? आप समझ गए होंगे ये मेरे सेम नंबर से बना हुआ है, इसलिए इसमें पैसे नहीं जाएंगे। अगर आपका अलग नंबर से बना हुआ होता तो पैसे चले जाते, तो ठीक है। इसके लिए भी मेरे पास डबल नंबर है, तो मैं डबल वाला कोड इसमें यूज कर लेता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, ठीक है? यहाँ पर ये हमारा दूसरा नंबर है, इस पर हम 100 रुपये इस पर भेज देंगे। इस प्रकार से आप अपने दूसरे नंबर से बना लेना, ये इससे चला जाएगा, देखिए आसानी से चला गया हमारा ये। तो इस प्रकार से आप अपने पैसे को भेज सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, और आपके पैसे 10 या 15 मिनट या फिर एक दिन के अंदर आपके एक अकाउंट में आ जाएंगे, वो भी वॉलेट में आएंगे। वॉलेट के आने के बाद उसको भी आप इसी प्रकार से सेंड कर देना, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने 100 रुपये कर दिया। अब देखिए दोस्तों मैं बता देता हूँ आपको 25 रुपये कहाँ आए थे मेरे, ये रहे दोस्तों, देखिए ये क्रेडिट, ये 25 रुपये ये यहाँ पर क्रेडिट हुए थे, लिखा हुआ है ना फ़ोनपे गिफ्ट कार्ड, और मैंने इस भाई को 101 रुपये भेजे थे, उसके बदले मुझे ये 25 रुपये मिल चुके हैं। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। इसमें मैंने दो चीज़ आपको बता दी, एक तो कैशबैक कैसे प्राप्त करना है, दूसरा अपना फ़ोनपे बिजनेस कैसे वॉलेट बनाना है, वॉलेट में कैसे किस प्रकार से लेना है अपने मर्चेंट को। देखिए तो आपने दोनों चीज़ों को एक ही साथ समझ लिया होगा एक ही वीडियो में। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले ट्रिक के साथ।